বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শুক্রবার রাজ্যের সমস্ত মিডিয়া হাউসগুলির সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গীতে জানান, নির্বাচন ঘোষণার পর কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী এই বৈঠক করা হয়েছে। বৈঠকে নির্বাচনের নিয়মকানুন এবং নির্দেশাবলী মিডিয়া হাউসগুলির সামনে রাখা হয়েছে এবং কমিশনের তরফ থেকে সেই সংক্রান্ত কপি মিডিয়া হাউসগুলিকে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন কিরণ গীতে। त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन की घोषणा होने के बाद राज्य के सभी मीडिया हाउसेस के साथ इलेक्शन डिपार्टमेंट का वार्तालाप हो, मीटिंग हो, ऐसा एक नॉर्म है। हमने उसके तहत आज सभी मीडिया हाउसेस के साथ मीटिंग बुलाई है और उनको जो असेंबली इलेक्शन के तहत जितने कायदे कानून इंस्ट्रक्शंस है कमीशन के, उसकी कॉपी उनको दी गई है। साथ में हमने उनको एक्सट्रैक्ट भी दिया है छोटा सा, मेनली जो क्या प्रिंट करना है, क्या एडवर्टाइजमेंट है, पेड न्यूज है, फेक न्यूज है, जो कैंडिडेट्स के क्रिमिनल एंटीसिडेंट के बारे में जो फॉर्मेट्स है और पीपल एक्ट जो कायदा है जिसके तहत इलेक्शन होते हैं देश में, उसमें क्या क्या 126 सेक्शन में क्या प्रोविजन है, ये सब के बारे में एक प्राथमिक उनको जानकारी दी। और मैंने सबको अनुरोध भी किया कि कोई एक व्यक्ति उनके मीडिया हाउस से इसका पूरा पढ़ाई करे, जानकारी ले, ताकि आपको भी काम करने में सुविधा होगी और हमें इलेक्शन डिपार्टमेंट को इलेक्शन करवाने में सभी मीडिया हाउस से सहयोगिता करे। धन्यवाद। নির্বাচনের খবর পরিবেশনার ক্ষেত্রে সম্যক ধারণা দেবার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী কর্তা। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।